मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। कई गांवों का मुख्यालय के संपर्क टूटा हुआ है। इस बीच हरदा के कुकुरावत गांव से एक शर्मिंदा करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां प्रेग्नेंट महिला को ट्यूब के सहारे उफनती नदी पार कराई गई। नदी के दूसरे किनारे पर जन्नी एक्सप्रेस खड़ी थी, जहां तक पहुंचने का कोई अन्य साधन नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को ट्यूब का सहारा लेना पड़ा। हाल ही में हुई जोरदार बारिश की वजह से नदी के रपेट पर बाढ़ का पानी आ गया। ऐसे में महिला को दूसरे किनारे तक पहुंचाने के लिए जुगाड़ से काम चलाना पड़ा। वहां पहुंचने के बाद महिला को एम्बुलेंस की मदद से निजी नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां महिला ने बेटे को जन्म दिया है। मामला मंगलवार का है। कुकरावत गांव के रहने वाले गणेश खोरे ने बताया कि मेरी पत्नी राजंती को प्रसव पीड़ा हो रही थी। गांव के बाहर रपटे पर बाढ़ का पानी था। ऐसे में ग्रामीणों ने ट्यूब पर लकड़ी का पटिया बांधा और उस पर पत्नी को बैठाकर नदी पार कराई। दूसरे किनारे पर खड़ी एम्बुलेंस से उसे अस्पताल भिजवाया गया। राजंती खोरे को मंगलवार सुबह करीब 10 बजे के आसपास प्रसव पीड़ा हुई। इस दौरान उसके परिजनों ने तत्काल गाँव की आशा कार्यकर्ता को सूचना दी। आशा कार्यकर्ता की सूचना पर जन्नी एक्सप्रेस भी पहुंच गई, लेकिन नदी के रपटे पर करीब 3 से 4 फीट पानी होने के चलते जन्नी एक्सप्रेस गांव में नहीं आ पाई। इसके चलते जुगाड़ की नाव के सहारे महिला को नाव पार कराई।